यहाँ पे मैं हेलोजन बल्ब्स देखने को मिल, सेंटर में मैं टाटा का लोगो देखने को, मैं 14 इंचेस का यहाँ पे अलॉय देखने को मिलती, 90 डिग्री के एंगल पे खुलते हैं, टाटा की तरफ से आने वाली इंडिया की सेफेस्ट हैचबैक। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू गिव अ स्पेशल थैंक्स टू केडी मोटर्स फॉर हेल्पिंग मी आउट, जिन्होंने हमें कार प्रोवाइड करवाई ताकि एक इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। सो शोरूम की सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एंड साथ ही साथ एक नंबर यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आपको टाटा का अगर कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करना है तो आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फास्ट डिलीवरी के साथ साथ अच्छी सर्विसेज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। सो गाइज, विदाउट डूइंग फर्दर डिले, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody. And you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will. तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो आज हम लोग आए हुए हैं टाटा के शोरूम पे, जो कि हमारे यहाँ पे लखनऊ रोड पे मौजूद है, और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं अल्ट्रॉज एक्सी 1.5 लीटर इंजन, जो कि डीजल में है। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको गाड़ी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज वीडियो में काफ़ी थोड़ी लंबी चलने वाली है, बिकॉज गाड़ी को हमने बहुत अच्छे से डिटेल रिव्यू किया हुआ है। सो लेट्स कंटिन्यू, शुरू करते हैं वीडियो को। सो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं वीडियो को और आपको बताता हूँ इस गाड़ी के बारे में। तो ये गाड़ी हमारे पास है अल्ट्रॉज एक्सी 1.5 डीजल इंजन में, और यहाँ पे अभी इस गाड़ी में कुछ कस्टम एक्सेसरीज भी इंस्टॉल की गई, जो मैं वीडियो में अभी आपको आगे बताऊँगा। जैसे लाइक नंबर एक है इसमें अलॉय व्हील, रियर पार्किंग कैमरा, म्यूजिक सिस्टम, फॉग लाइट्स, ये कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा इंस्टॉल कराई गई हैं। सो उनके बारे में आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। सो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले बताता हूँ आपको गाड़ी का एक शोरूम प्राइस। ये गाड़ी आपको देखने को मिलेगी 7,04,500 रुपये, जो कि इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस हरदोई में है। ये बेस वेरिएंट है तो इसका प्राइस कम ही रहेगा डेफिनेटली। और बात करते हैं अगर गाड़ी की इसमें इंश्योरेंस की, तो अगर आप इसमें जीरो डिप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 35,135 रुपये का मिलेगा। साथ ही साथ RTO की इसकी कॉस्ट आने वाली है 59,860 रुपये। साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको फास्टैग अगर आप लगवाते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 600 रुपये की मिलेगी। एंड देन इसमें कुछ बेसिक किट यहाँ पे लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 18,000 रुपये है। एंड देन यहाँ पे गाड़ी का अगर एक्सटेंडेड वारंटी आप लेते हैं, जो कि एक साल की होगी, तो उसकी कॉस्ट आपको लगभग 6,000 रुपये पड़ेगी। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं गाड़ी के ऑन रोड प्राइस की, तो गाड़ी लगभग ये 8,24,093 रुपये के आसपास पड़ती हुई है आपको मिलेगी। और इस गाड़ी में कुछ कस्टम एक्सेसरीज भी इंस्टॉल की गई, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अलॉय व्हील इंस्टॉल्ड हैं, फॉग लाइट इंस्टॉल्ड हैं, रियर पार्किंग कैमरा इंस्टॉल्ड है, म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो इसमें कुछ चीज़ें कस्टम एक्सेसरीज इंस्टॉल हैं जिनकी कॉस्ट वर्थ अप्रॉक्स 50,000 के आसपास है। तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा आगे डिटेल में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो ब्रेक मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं गाड़ी के फ्रंट साइड व्यू से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के वॉक अराउंड की। तो गाड़ी 360 डिग्री अगर देखते हैं तो कुछ ऐसी दिखती है। ये आपका रियर साइड व्यू हो गया, तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के यहाँ पे हेडलैम्प की, बिकॉज हेडलैम्प फ्रंट साइड व्यू में सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी, जो कि ब्लैक पियानो फिनिश में आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे दोनों बल्ब इसमें हैलोजन बल्ब आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको इंडिकेटर भी हैलोजन देखने को मिलेंगे। साथ साथ पार्किंग की अगर बात करते हैं तो वो भी हैलोजन ही देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे आपको फॉग लाइट भी देखने को मिल रही है, जो कि अलग से एक्सेसरीज में इंस्टॉल कराई गई है इस गाड़ी में। एंड फिर बात करते हैं आपके यहाँ पे फ्रंट सेंटर ग्रिल की, तो फ्रंट सेंटर ग्रिल भी आपको पियानो फिनिश का मिल रहा है, साथ ही साथ आपको टाटा का फ्रंट में मोनोग्राम देखने को मिलेगा, और सेम इधर आपको लेफ्ट साइड में भी देखने को मिल रहा है। एंड बात करते हैं अगर गाड़ी में फ्रंट बम्पर की, तो उसमें आपको डुअल टोन डुअल कलर में आपको बम्पर देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे आपको ग्रिल टाइप का, जो कि रेडिएटर कंडेंसर के एयर प्रेशर के लिए रहता है। और साथ ही साथ आपको बॉडी कलर बम्पर भी देखने को मिल रहा है। फ्रंट साइड व्यू से गाड़ी बिल्कुल ही प्रीमियम लग रही है। और बात करते हैं अगर गाड़ी के भी रियर राइट साइड की प्रोफाइल की, तो राइट साइड में आपको यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी जो नज़र जाने वाली है, वो आपकी जाने वाली है साइड मिरर पे, बिल्कुल ये ब्लैक पियानो फिनिश मिरर दिया गया हुआ, जो कि फुल्ली मैनुअल है। टॉप वेरिएंट में आपको ये इलेक्ट्रॉनिक देखने को भी मिलेगा, ये बेस वेरिएंट है तो उसमें आपको सब कुछ लगभग मैनुअली देखने को मिलेगा। देन साथ साथ यहाँ पे आपको फेंडर, जो कि काफ़ी ज़्यादा शेप अच्छे शेप में दिया गया हुआ है। देन यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल इंडिकेटर भी देखने को मिल रहा है, जो कि
पहले तो एक बार को मुझे ध्यान नहीं गया, बट ये सच में यहाँ पे इंडिकेटर इंस्टॉल है। देन आपको यहाँ पे फ्रंट में एक क्वार्टर ग्लास देखने को मिल रहा है, एंड आफ्टर देन यहाँ पे आपको रियर डोर देखने को कुछ इस तरह से मिलता है, जो कि ब्लैक पियानो फिनिश की स्पेस स्ट्रिप गई हुई है। साथ ही साइड व्यू में यहाँ पे आपको डोर हैंडल भी देखने को मिलेंगे, जो कि की से है ओपन होने वाला। यहाँ पे आपको रिमोट ओपनिंग नहीं मिल रही है, सो टॉप मॉडल में आपको मिलेगी, बिकॉज ये बेस वेरिएंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आगे से आप लोग इसे ध्यान रखिए, बेस वेरिएंट है तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें कम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिलेंगी। और रियर डोर ओपनिंग के लिए आपको डोर हैंडल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, आप लोग यहाँ से इसको पुश करके रियर डोर ओपन कर सकते हैं। और बात करते हैं अगर गाड़ी की रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल में आपको हाई माउंटेड टेल लाइट देखने को मिल रही है, और इधर आपको डिफॉगर देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये बेस वेरिएंट है। और बात करते हैं अगर गाड़ी की टेल लाइट की, तो टेल लाइट गाड़ी की काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल रही है। एक तरीके से दूर से दिखने में तो ये एलईडी देखने को लगती है, बट ये हैलोजन बेस्ड है। एंड रियर में आपको यहाँ पे अल्ट्रॉस का मोनोग्राम देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है गाड़ी को पीछे से। और यहाँ पे आपको टाटा का मोनोग्राम देखने को मिल रहा है। रियर में आपको इसमें कैमरा इंस्टॉल किया कराया गया अलग से, और आपको पार्किंग सेंसर भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं। नीचे आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल रहे हैं, देख लीजिए कुछ इस तरह से दिखते हैं। और अभी बात करते हैं गाड़ी के यहाँ पे फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक का कवर आपको राइट लेफ्ट साइड में देखने को मिल रहा है। उससे पहले आपको गाड़ी के टायर के बारे में, तो उसमें आपको 165/80R का टायर देखने को मिलेगा, जो कि 14 इंच के अलाइव व्हील के साथ में आता है। और इस गाड़ी में आपको रिम देखने को मिलेगी बेस वेरियंट में, बट इसमें अलग से अलाइव व्हील इंस्टॉल कराए गए हैं। तो आप इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि इस वेरियंट में आपको व्हील अलाइव व्हील देखने को मिलेंगे, गाड़ी रिम के साथ में आती है। तो हेड लाइट ऑन करने पे गाड़ी का कुछ ऐसा व्यू दिखेगा आपको, और हाई बीम पे देखते हैं गाड़ी कैसी लगती है। ये आपकी गाड़ी की हाई बीम लग रही है, सो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है लाइट इसकी, आपको कोहरे में काफ़ी अच्छे से वर्क करने की वाली है ये। सो अलग से इंस्टॉल्ड इसमें जो फॉग लाइट की गई है, उसका व्यू आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन फॉग लाइट देखने को मिल रही है, साथ ही साथ इसमें LED लाइट भी देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रही है फ्रंट से गाड़ी को। अभी बताता हूँ गाड़ी के आपको डायमेंशन के बारे में, तो इस गाड़ी में आपको ओवरऑल लेंथ गाड़ी के देखने को मिलेगी 3990 mm, गाड़ी की विड्थ देखने को आपको मिलेगी 1755 mm की, एंड गाड़ी की ओवरऑल हाइट देखने को मिल रही है 1523 mm की। एंड बात करते हैं अगर गाड़ी के व्हील बेस की, तो व्हील बेस आपको इसमें देखने को मिलेगा 2501 mm का। और बात करते हैं अगर गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो नीचे से आपको काफ़ी परफेक्ट ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है 165 mm। और बात करते हैं अगर गाड़ी के इसके बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस आइए आपको दिखाता हूँ कितना बूट स्पेस इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। सो बूट स्पेस तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी में, और देख लीजिए इसमें अगर आराम से दो बंदे लेट के बैठना चाहें तो आराम से बैठ सकते हैं। तो बात करते हैं अगर गाड़ी के बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस इसमें आपको 345 लीटर का मिल रहा है। और बात करते हैं अगर गाड़ी के टर्निंग रेडियस की, तो इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस 5 मीटर है। साथ ही बात करते हैं अगर गाड़ी के इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको 37 लीटर की मिलती है, जो कि डीजल इंजन के साथ में है। और ये गाड़ी आपकी 5 सीटर है, इसमें आपको 5 पैसेंजर अलाउ हैं। तो अब देर न करते चलिए बताता हूँ आपको गाड़ी के इंजन के बारे में। तो बोनट इसको इस तरह से ओपन होता है, देन आपकी बोनट स्ट्रे रॉड यहाँ पे आपको लगानी पड़ती है। इसमें हाइड्रोलिक एब्जॉर्बर नहीं है, वरना रॉड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, हो सकता है वो टॉप वेरिएंट में आती हो, बट कोई नहीं, इतने ज़रूरत नहीं पड़ती इन सब चीज़ों की है। सो अंदर से इंजन का इंटीरियर को जैसा देखने को मिलता है, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आपको गाड़ी के ऊपर पूरा एक कवर देखने को मिल रहा है, जो कि इंजन को काफ़ी अच्छे से सील्ड करता है। एयर फिल्टर, बैटरी इसमें आपको दिखता हूँ किस चीज़ की, एमरॉन की आपको इसमें बैटरी देखने को मिल रही है। तो अब बताता हूँ आपको गाड़ी के इंजन के बारे में सब कुछ। तो चलिए बताता हूँ गाड़ी के इंजन बारे में, ये गाड़ी आपको पेट्रोल एंड डीजल दोनों में देखने को मिलेगी। अभी हमारे पास ये डीजल वेरिएंट है, जो कि 1497 cc का 4 सिलेंडर इंजन है। बात करते हैं अगर गाड़ी के पावर की, तो गाड़ी 90 PS का पावर देती है 4000 RPM पे। बात करते हैं अगर गाड़ी के मैक्सिमम टॉर्क की, तो बात करते हैं अगर गाड़ी के मैक्सिमम टॉर्क की, तो गाड़ी 200 Nm का टॉर्क देती है 1200 से 3000 RPM के बीच में। साथ ही यहाँ पे आपको बोनट में फुल्ली इंसुलेशन देखने को मिल रही है, जो कि गाड़ी की नॉइज़ को काफ़ी ज़्यादा कम कर देती है। अभी मैं आपको गाड़ी का इंजन भी स्टार्ट करके दिखाऊंगा, गाड़ी की नॉइज़ कैसी आती है, गाड़ी के स्टार्ट होने के बाद में इंजन की नॉइज़ कैसी रहती है। और काफ़ी अच्छा पूरा कॉम्पैक्ट बनाया गया, कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिया गया इसमें। तो हेडलाइट भी आप लोग देख सकते हैं पूरा अंदर से कैसे दिखती है फिनिश। यहाँ पे आपको बोनट लॉक देखने को मिल रहा है, जो कि सेकेंडरी लॉक रहता है, प्राइमरी लॉक अंदर है इसके। और चलिए आपको चलता हूँ गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बताता हूँ फिर अभी। तो चलिए चलते हैं गाड़ी को आपको इंटीरियर में कैसी दिखती है इंटीरियर दिखाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे तरीके से मैनुअल हैंडल देखने को मिल रहा है, जो कि चीज से ओपन होता है। इसमें आपको रिमोट कंट्रोल नहीं देखने को मिलेगा, हालांकि इसमें सेंटर लॉकिंग है, बट आपको इसमें रिमोट कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बेस वेरिएंट है, आप इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हो उसमें।
साथ बात करते हैं अगर गाड़ी पे यहाँ पे सीट कंट्रोल्स की, तो सीट कंट्रोल्स आपको इसमें मैनुअल देखने को मिल रहा है, जो कि सिर्फ आप आगे एंड पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, एंड आपके यहाँ पे बैक रेस्ट को भी आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थाई एडजस्टमेंट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। टंकी ढक्कन को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको स्विच दिया गया है जो कि मैनुअल है, और बोनट को ओपन करने के लिए आपको कुछ यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, आप यहाँ से बोनट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे गाड़ी में जो बात करते हैं इंटीरियर बॉडी की, तो बॉडी क्वालिटी जो बॉडी की जो फाइबर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्लास की है। और यहाँ पे आपको गाड़ी में ट्विटर देखने को मिल रहा है जो कि हैंडल के पास में है। यहाँ पे बात करते हैं गाड़ी के यहाँ पे पावर विंडो की, तो इसमें आपको दो विंडो पावर देखने को मिलेंगी बिकॉज ये बेस वेरिएंट है। रियर में आपको मैनुअल देखने को मिलेगा ग्लास ओपनिंग के लिए। तो चलिए आते हैं गाड़ी में अंदर, देखते हैं क्या क्या है और भी। तो यहाँ पे आपको गाड़ी में स्पीकर भी देखने को मिलेंगे जो कि 6.1 सराउंडिंग सिस्टम के साथ में पूरा यूज़ होते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपको बात करते हैं अगर फ्रंट में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक सनवाइजर देखने को मिलेगा जो कि ड्राइवर साइड के लिए है। और इधर आपको म्यूज़िक सिस्टम का एक और ट्विटर देखने को मिलेगा फ्रंट में। देन बात करते हैं अगर गाड़ी पे यहाँ पे डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड शुरू करते हैं हम लोग इस साइड से। सबसे पहले यहाँ पे आपको एसी का वेंट देखने को मिल रहा है, तो अभी एसी का फ्लो कैसा मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। देन यहाँ पे कुछ खाली स्पेस दिया हुआ है, आई थिंक, आई डोंट नो, पता नहीं किस लिए है, हो सकता है यहाँ पे कुछ रखने के लिए दिया गया हो। अब बताता हूँ गाड़ी के आपके यहाँ पे कॉम्बिनेशन स्विच के बारे में। तो यहाँ पे आपको अप एंड डाउन इंडिकेटर जो कि आप मैनुअली आपको ज्यादातर गाड़ियों में देखने को मिलता है। देन यहाँ पे आपको हेडलाइट के एडजस्टमेंट देखने को मिल रहे हैं, आप यहाँ से गाड़ी के हेडलाइट पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपके हाई बीम एंड लो बीम का ऑप्शन मिल रहा है, हेडलाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इससे ज़्यादा इसमें आपको गाड़ी में ऑफ साइड करने पे पासिंग लाइट स्विच देखने को मिलेगा। और बात करते हैं अगर गाड़ी के यहाँ पे वाइपर कंट्रोल की, तो वाइपर कंट्रोल में आपको फ्रंट एंड रियर दोनों वाइपर कंट्रोल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट करने के लिए आपको यहाँ पे पुल करना पड़ता है, ये देखिए ये पानी निकल रहा है और ये वाइपर चल गए, देख लीजिए। ये तीन टाइम चलेंगे और देन आप यहाँ पे आप इसको कंट्रोल मैनुअली कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कितनी बार चलना चाहिए। देखिए एक बार चल रहा है सिर्फ। और ऑफ करने के लिए गाड़ी यहाँ पे आपकी देखिए ऑफ हो गए बिल्कुल। अभी बात करते हैं गाड़ी के यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील में आपको एयरबैग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्विचेस देखने को नहीं मिल रहा है जो कि स्टीयरिंग बार से आप कंट्रोल कर सकें, आपको टॉप वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। और बाइक के स्टीयरिंग व्हील को आप अप एंड डाउन एडजस्ट भी कर सकते हैं मैनुअली, ये देखिए। तो टेलीस्कोपिक अप डाउन तो इसमें नहीं ऑप्शन है, हो सकता है आपको बेस वेरिएंट में देखने को मिलेगा, तो आप इसको मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं, राइडर की हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है ये। एंड बात करते हैं अगर गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड में आपको कार्बन फाइबर की फिनिश देखने को मिल रही है जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लग रही है। यहाँ पे आपको एयर वेंट जो कि ग्लास के लिए देखने को मिलते हैं वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपको TFT देखने को मिलेगी 15 इंच की जो कि टॉप वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगी। ये बेस वेरिएंट है तो इसमें वहाँ पे ऑप्शन ब्लैंक छोड़ दिया गया है। यहाँ पे आपको आपके एसी के वेंट देखने को मिल रहे हैं, हजार्ड लाइट का स्विच देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको एसी कंट्रोल्स के सारे स्विच देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे ये म्यूजिक सिस्टम जो कि अलग से इंस्टॉल किया गया वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ खाली स्पेस भी देखने को मिल रहा है जिसमें आप अपना कुछ भी सामान वगैरह फोन वगैरह रख सकते हैं और चार्जिंग पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको चार्जिंग का पोर्ट भी देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ गियर आपको इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर देखने को मिल रहा है जो कि रियर गियर के साथ में आता है। एंड बात करते हैं गाड़ी के यहाँ पे आपको स्पेस की, तो यहाँ पे आपको चाबी वगैरह रखने के लिए भी स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग का पोर्ट जो कि हम इसमें चार्जर लगा के यूज़ कर सकते हैं अपना। यहाँ पे आपको गाड़ी का हैंड ब्रेक देखने को मिलेगी जो कि कुछ इस तरीके से है। और इधर आपको सीट बेल्ट के हैंगर देखने को मिलेंगे। इस गाड़ी में आपको टू साइड एयरबैग देखने को मिल रहा है बिकॉज ये बेस वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट में इसमें आपको 8 एयरबैग देखने को मिलते हैं जो कि गाड़ी में अलग अलग पोजीशन में अलग अलग तरीके से सेट होते हैं। और बात करते हैं अगर यहाँ पे गाड़ी के को ड्राइवर में भी आपको यहाँ पे पावर विंडो का स्विच देखने को मिल रहा है। एंड आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम का भी सारा का कंट्रोल देखने को मिलेगा। आपको स्पीकर देखने को मिलेंगे ट्विटर के साथ में, और उधर ऊपर भी ट्विटर के साथ में आपको स्पीकर देखने को मिल रहा है। अगर गाड़ी में आप पैसेंजर साइज के सनराइजर की, तो पैसेंजर साइज में आपको ग्लास देखने को नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा उसका कोई यूज भी नहीं रहता है। यहाँ पे आपको हैलोजन रीडिंग लाइट मिलती है, वो आप मैनुअली बंद भी कर सकते हैं। अभी डोर ओपन हो तो लाइट ओपन हो रही है। स्पेस की, तो स्पेस की गाड़ी में कोई कमी नहीं, काफी ज्यादा स्पेस है। आप कितनी भी आपकी हाइट कितनी भी ज्यादा हो, आप आराम से गाड़ी को यूज कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा एडजस्टेबल है, आगे पीछे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इको मोड का भी बटन देखने को मिल रहा है। जैसे इस पर टैप करें गाड़ी आपकी इको मोड में चलेगी। और यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स जो कि फ्रीज, ये आपका एसी का हो गया, ये आपका इंडोर आउटडोर का स्विच हो गया। यहाँ पे आपको कूल्ड एंड टेम्परेचर कंट्रोल मिल रहा है, यहाँ पे आपको फैन कंट्रोल मिल रहा है, यहाँ पे आपको वेंट कंट्रोल मिल रहा है, आपको एयर प्रेशर कहाँ पे भी चाहिए आप यहाँ से मैनुअली से एडजस्ट कर सकते हैं। और चलिए चलते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ रियर स्पेस कितना है इस गाड़ी में।
सो रियर स्पेस की अगर बात करते हो तो रियर डोर ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है, आप यहाँ से हैंडल ओपन कर सकते हैं। और रियर में आपको पावर विंडो देखने को नहीं मिल रही बिकॉज ये बेस वेरियंट है। भी आपको यहाँ पे ट्विटर देखने को मिलना है और इधर आपको स्पीकर देखने को मिलेगा। और बात करते हैं गाड़ी में रियर स्पेस की, तो रियर स्पेस गाड़ी में काफी ज्यादा है, आप यहाँ से आराम से 3 लोग इस सीट पे बैठ सकते हैं। और रियर में आपको एयर वेंट देखने को नहीं मिलेंगे, आपको फ्रंट से ही ऐसी आराम से चिल्ड करेगा। और यहाँ पे आपको पावर विंडो स्विच आपको टॉप वेरियंट में देखने को मिलेगा। तो रियर में कुछ प्रोफाइल में जिस तरीके से गाड़ी देखने को मिलेगी, आराम से बैठ सकते हैं, सीट हाइट भी परफेक्ट है। तो यहाँ पे आपको आपका फोन होल्डर या फिर कुछ भी आप छोटा बहुत सामान इसमें रख सकते हैं। रियर से आपको चाइल्ड सीट भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप अपने बेबी को चाइल्ड सीट लगा के आप अपने बेबी को भी ट्रैवल करा सकते हैं बिकॉज आगे काफी ज्यादा रिस्की रहता है। यहाँ पे आपको अगर बात करते हैं डोर्स में, तो डोर्स में आपको यहाँ पे बोतल होल्डर देखने को मिलेगा, यहाँ पे अपनी बोतल रख सकते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की रियर डोर हैंडल वगैरह में, तो काफी अच्छी आप यहाँ पे हैंडल्स भी से यूज कर सकते हैं और रियर डोर हैंडल की तरह भी यूज कर सकते हैं। सो बिल्ड क्वालिटी में गाड़ी में कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई बिकॉज ये गाड़ी 5 out of 5 ग्लोबल ऑटो मोटिव की तरफ से रेटेड है। इस गाड़ी में जो मुझे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिला है वो मिल रहा है 90° ओपन डोर, आपको यहाँ पे 90° डोर आपके ओपन हो जाएंगे। सो कितना भी आपका हेल्दी शरीर हो या फिर कोई अगर सीनियर सिटीजन आप साथ में ट्रेवल करते हैं तो आपको सारे डोर्स में 90° ओपन डोर मिल रहे हैं। आप लोग देख लीजिए 90° डोर ओपन होने के बाद कुछ ऐसा लगता है। अभी आपको सारे डोर एंड बूट स्पेस ओपन करके दिखाता हूँ, देख लीजिए काफी ज्यादा इसमें स्पेस है। पूरी गाड़ी ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से लगती है, आप लोग देख लीजिए इसमें सारे डोर्स में 90° ओपन हुए हैं और पीछे का पीछे बूट स्पेस भी ओपन हो चुका है। सो फ्रंट प्रोफाइल में अभी तो गाड़ी बिल्कुल ही डिफरेंट लुक में आ गई है। सो ओवरऑल बात करते हैं अगर गाड़ी के यहाँ पे आपको इंटीरियर में एयर कंडीशन की, तो एयर कंडीशन इस गाड़ी का काफी ज्यादा परफेक्ट है, बहुत ज्यादा चिल्ड कर रहा है। अभी हम लोग इसमें बैठे हुए तो हम लोग फील कर सकते हैं कितना ज्यादा चिल्ड कर रहा है, हम लोग पसीने में डूब चुके थे। तो ज़्यादा जरा एसी को ऑन करते हैं और देखते हैं कह रही कि चिल्डिंग पावर कैसी है, तो काफ़ी ज़्यादा चिल्ड करती है इसकी एसी। अभी मुश्किल से 1 मिनट नहीं हुआ है और हम लोग को इसमें हल्की सी ठंड ठंड महसूस होने लगी है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी की भी टेस्ट राइड पे और दिखाते हैं गाड़ी चलने में कैसी है। यहाँ पे गाड़ी में मुझे बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा स्पेस देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट फील होता है इसमें बैठ के। सीट अगर बात करते हैं गाड़ी की यहाँ पे सीट की कुशनिंग की, तो वो भी बहुत ही परफेक्ट है। और रियर अगर बात करते हैं रियर पैसेंजर की, तो रियर में भी काफी ज्यादा स्पेस देखने को मिल रहा है। तो ये गाड़ी आपको पावर स्टीयरिंग के साथ में देखने को मिल रही है, तो स्टीयरिंग में तो कोई कमी नहीं छोड़ी है इस कंपनी ने बिकॉज इतनी स्मूथ स्टीयरिंग है कि आप एक फिंगर से भी टर्न कर सकते हैं गाड़ी को। और जैसे आप थोड़ा सा चलेंगे गाड़ी का आपको सीट बेल्ट इंडिकेटर भी आपको आने लगा है, तो थोड़ा भाई हल्का सा रेप करोगे। और बात करते हैं गाड़ी के एक्सीलरेशन पावर की, तो एक्सीलरेशन पावर भी गाड़ी में बहुत ही परफेक्ट है। देखिए आप लोग जरा सी देर में गाड़ी 100 की स्पीड को टच कर लेगी बहुत आसानी से, बट हमें 100 चलानी नहीं है बिकॉज ये गाड़ी भी टेस्ट राइड के लिए हम लोग लेके आए हैं, न्यू ब्रांडेड ब्रांड न्यू कार है ये। इस गाड़ी में आपको ब्रेकिंग ABS के साथ में देखने को मिल रही है, तो आपकी गाड़ी को स्किड होने का भी कोई चांस नहीं है बिकॉज पहले गाड़ी में ABS नहीं आता था तो गाड़ियां स्किड कर जाती थी, और ABS के साथ में गाड़ी स्किड करने का कोई चांस नहीं रहता है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी की भी टेस्ट राइड करते हैं, देखते हैं गाड़ी चला के गाड़ी चलने में कैसी है। तो इसमें कुछ इस तरह से की लगा के गाड़ी को आपको अनलॉक करना पड़ता है, अभी गाड़ी आपकी अनलॉक हो चुकी है, आइए चलते हैं अभी टेस्ट राइड पे गाड़ी की। तो चलिए चलते हैं गाड़ी को चला के देखते हैं अभी कैसे चलती गाड़ी है। तो गाड़ी का एक्सीलरेशन पावर तो बहुत ही अच्छा है, और अभी गाड़ी का थोड़ा ब्रेक टेस्ट भी करते हैं अचानक से। तो ब्रेक भी गाड़ी की बहुत अच्छी लग रही है। तो जैसा कि आप देख लीजिए वेदर काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है, क्लाउडी बिल्कुल है एकदम से, और बारिश होने का पूरा सीन है। और गाड़ी का भी मैं सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ, तो देखिए अभी गाड़ी धचके में भी चल रही है, तो सस्पेंशन इतना स्मूथ है कि कैमरा हमारा बिल्कुल ही शेक नहीं कर रहा है। इसमें मैंने अभी जायरो सेंसर ऑफ कर रखा है कैमरे में, बहुत ही हल्का सा शेक होता है। तो सस्पेंशन के मामले में गाड़ी में आपको प्लस पॉइंट, साथ ही यहाँ पे आपको गाड़ी में डिस्प्ले में गियर इंडिकेटर भी देखने को मिल रहा है। आप जैसे ही गाड़ी में गियर चेंज करेंगे गाड़ी में आपको गियर इंडिकेटर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे गियर्स, जो कि आपको डिस्प्ले में यहाँ पे शो कर रहे हैं। देखिए सेकंड गियर में भी गाड़ी हमारी चल रही है, और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव इसमें TFT डिस्प्ले है।
सो आप लोग वहाँ पे विजिट कर लीजिए। ये आपका केडी मोटर्स हमारे यहाँ पे लखनऊ रोड हरदोई में मौजूद है। शोरूम की सारी कॉन्टेक्ट डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगी, आप लोग वहाँ से इनको कॉल कर सकते हैं, गाड़ी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और टाटा की अगर आपको कोई भी व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल कोई भी चाहिए, आप इनसे डायरेक्ट बाय कॉल बुक कर सकते हैं, आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और गाड़ी को विजिट करके टेस्ट राइड भी कर सकते हैं। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और होप करता हूँ आपके लिए मैं ऐसी वीडियो अच्छी अच्छी लाता रहूंगा। अगर आपका कोई सजेशन रहता तो मुझे कमेंट डाउन करिए। और साथ ही अगर आपको किसी पर्टिकुलर कार या बाइक पे अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट डाउन करके बता सकते हैं, मैं आपको उसके लिए भी वीडियो जल्द से जल्द लाके दे दूंगा इस चैनल पे। और सो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बिना सब्सक्राइब करे मत जाइए, ताकि आपके अगर नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही डालूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे, तो उसके लिए आपको बेल आइकन भी ऑन करना पड़ेगा। और साथ साथ अगर मुझसे आप पर्सनली कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, आप लोग मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो इंस्टाग्राम पे मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स करूंगा। और रिसेंटली जो मैं आपके अपडेट्स लाता हूँ, गाड़ी के रिव्यूज करता हूँ, उसकी आपको रिसेंटली अपडेट वहाँ पे मिल जाया करेगी कि आने वाली किस वीडियो पे रिव्यू, कि आने वाली वीडियो हमारी किस रिव्यू पे आधारित रहेगी। सो आप लोग वहाँ पे भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स हमारे आकाश को, आप लोग उसका भी चैनल एडीबी मोटर्स वर्ल्ड के नाम से सर्च करके यूट्यूब से सब्सक्राइब कर सकते हैं।